ओके सो डियर स्टूडेंट अनमोल, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। वैसे ये क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया है, स्टडी कर लिया है इसको। आपको आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ स्फीयर एट डिस्टेंस आर ऑब्वियसली। और इसमें जो आपकी इस इमेज में जो ये आपके टीचर कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो जस्ट मेक इट अ रूल फॉर योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, बिकॉज गॉस लॉ इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन दिस इन सच काइंड ऑफ केसेस। तो अब आपके पास ये आ गया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द गॉस लॉ। और मैं यहाँ पर एक स्फीयर बनाने वाला हूँ, ओके सो लेट अस से दिस इज द स्फीयर, फाइन। और इसमें मैं एक सर्टेन डिस्टेंस लेता हूँ, एक आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा मैं सर्कल और ड्रॉ करता हूँ। लेट अस से दिस, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार डायग्राम बनाने में, लेकिन प्लीज बी विद मी। अब ये देखिए, ये आपके पास एक सर्कल बन गया और मैंने आर डिस्टेंस पर, लेट अस से ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज आर, और इस डिस्टेंस पर मैंने एक छोटी सी थिकनेस ले ली है, और ये जो छोटी सी थिकनेस है ये है डी आर। अब डी आर थिकनेस पर मैंने जब ये स्फीयर को लिया, और मैं मानना चाहता हूँ कि इसी के अंदर जो चार्ज है मेरे पास, मैं वो फाइंड करना चाहता हूँ। लेट अस से देर इज अनदर सर्कल, और ये सर्कल आपका बन सकता है कुछ, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ इसको। मान लीजिए ये वाला है, तो ये है जो इंटरनल कोई पॉइंट है, इसको मैंने कैपिटल आर रख दिया, लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसका जो रेडियस कैपिटल आर ले रहा हूँ, दैट इज नॉट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, दीज टू आर डिफरेंट। मैंने ये जानबूझकर शो किया है ग्रीन कलर में सर्कल, ये मैंने इसलिए शो किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम इंटरनल पॉइंट, एट सम इंटरनल पॉइंट, तो अंदर वाले किसी पॉइंट के पास हम इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सो ओके, तो अब यहां पर मैं इसमें अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो आई विल ट्राई टू फाइंड दैट टोटल चार्ज। ये ओके, तो यहां पे सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा इनसाइड द स्ट्रिप, सिर्फ डी क्यू फाइंड करना है, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो चार्ज इनसाइड द स्ट्रिप दैट विल बी डी क्यू, तो रो जो है मेरे पास चार्ज डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मुझे अब इसमें एक वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई डोंट नो कि वेदर आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है, द वॉल्यूम ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स जो स्ट्रिप है, इसका अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये बड़े ही इजी तरीके में फाइंड हो जाता है। 4 पाई आर स्क्वायर उसके उसका सरफेस एरिया है, इसको आपने उसकी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वॉल्यूम। तो मैं यहां पर उसको उससे मल्टीप्लाई करता हूं वॉल्यूम से, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। तो डी क्यू इज इक्वल टू, अब रो की मैं वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं अल्फा आर, और ये आपके टीचर ने यहां पे इसको पता नहीं क्यों अल्फा को हर जगह पर चेंज कर दिया है, दिस इज रॉन्ग, ये अल्फा है, तो ये इन्फिनिटी पता नहीं क्यों बना दिया भाई ने, बट एनीवेज ये आया अल्फा आर, रो की वैल्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, सो दैट विल बी 4 पाई अल्फा आर क्यूब डॉट डी आर, और ये आया डी क्यू। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये बन जाएगा मेरे पास क्यू इज इक्वल टू 4 पाई अल्फा, और लिमिट्स लगानी पड़ेंगी ऑब्वियसली। अब मैं जो ये लेने वाला हूँ, ये कैपिटल आर लेने वाला हूँ, याद रखना कैपिटल आर क्या है, इट इज द रेडियस समवट इनसाइड, इट इज नॉट द रेडियस ऑफ दिस ब्लैक सर्कल। तो इसको मैंने बना दिया आर 4 बाय 4, तो मेरे पास आंसर आ गया पाई अल्फा आर की पावर 4। अब मैं गॉस लॉ में फिर से अप्लाई करने वाला हूँ, और गॉस लॉ के अंदर वैल्यूज पुट करूंगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इन सब पॉइंट्स पर, ये जो मेरे पास ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है इसकी सरफेस पर, हर जगह पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल एट एवरी पॉइंट, सो आई कैन अप्लाई दिस गॉस लॉ कंडीशन। तो और इसका एरिया क्या आएगा यहाँ पे, 4π R², सो दैट विल बी इक्वेटेड विद पाई अल्फा आर की पावर 4। यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा, आर की स्क्वायर से ये कट गया, ये आ गया आर की स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 4 को मैंने यहाँ से काट के नीचे रख दिया, तो मेरे पास ई आ गया अल्फा आर स्क्वायर बाय 4, अल्फा आर स्क्वायर बाय 4, तो ये आ रहा है आपका अल्फा आर स्क्वायर बाय 4। ओके, एफ साइन नॉट रह गया, तो अल्फा आर की स्क्वायर एफ, तो बी, सो बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो आई थिंक आई शुड बी क्लियर। बच्चे इसमें एक बात को आपने और याद रखना है कि मैंने अगर ग्रीन सर्कल तक मैंने अपने इस इंटरनल पॉइंट को मैंने इमेजिन किया कि ग्रीन सर्कल तक है, तो जो ग्रीन सर्कल के बाहर है, जो ग्रीन सर्कल के बाहर में जो सर्कल है ये वाला, और इस सर्कल में जितना भी चार्ज है उसका सेंटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये चार्ज हमारा कंसीडर नहीं हुआ है, ये वेस्ट है, बिकॉज ये हमारे पास एक रिंग बन गया और हमें पता है कि इनसाइड ऑफ अ रिंग, इनसाइड ऑफ अ शेल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो ये पूरी की पूरी जो शेल है इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाना था उसका टोटल सम जीरो आना था, तो दैट इज वाई वी हैव निग्लेक्टेड दिस पार्ट, और अंदर वाला जो पार्ट है उसको हमने कंसिडर किया और हमारे पास आंसर आ गया बी। तो आई थिंक विद दिस द डाउट शुड बी क्लियर। अभी भी कोई प्रॉब्लम है बच्चे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाय।